गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द सेल बायोलॉजी, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली दैट इज प्लास्टिड। सम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल विच हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स यूज करना सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। दीज सेल ऑर्गेनलीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स बोलते हैं, क्योंकि इनका मेन काम है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, यूज करना। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल्स। ये एनिमल सेल्स में नहीं मिलती, दे आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। और प्लांट सेल में भी कहाँ मिलती हैं? साइटोप्लाज्म में, बिकॉज दे आर द सेल ऑर्गेनेल्स। नाउ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, देन फर्स्ट इट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस, दे आर फाउंड इन दैट सेल्स विच आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। मतलब जो सेल्स सनलाइट में नहीं होती ना, ये उनमें मिलती हैं, यानी कि जो अपोजिट टू सनलाइट रहती हैं ये उनके अंदर पाई जाती है बेटा। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, शेप में ये सिलेंड्रिकल होती हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इनका सिर्फ एक ही फंक्शन है, टू स्टोर। क्या करती हैं ये? प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स एंड स्टार्च को स्टोर करती हैं। प्लांट जो ये सब चीज़ें प्रिपेयर करता है उनको स्टोर करने का काम किसका होता है? ल्यूकोप्लास्ट का होता है, प्लास्टिड्स की जो एक टाइप है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हमारे पास क्रोमो, इट इज़ नॉट क्लोरो, इट इज़ क्रोमोप्लास्ट। दे आर कलर्ड, ये हमारे पास कलर्ड सेल ऑर्गेनली है। ये ग्रीन के अलावा बाकी जो भी कलर हैं दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करती है? कलर देती है किसको? फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, इन सबको कलर प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड, ब्लू, ऑरेंज, जितने भी कलर हैं ग्रीन के अलावा जो भी कलर हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे फिर वो फ्लावर को हो चाहे फिर वो फ्रूट्स को हो। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। इसका मेन काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। कहाँ मिलती है? ये मिलती है मेजोफाइल सेल्स में, और साथ साथ ये अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये मेजोफाइल सेल्स में होगी, और ये एल्गी के अंदर मिलती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी बोला जाता है। आपको पता है एनिमल सेल में भी हम लोग किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं। एंड इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन प्रोटीन्स, ये अपने प्रोटीन्स और एंजाइम्स खुद बना सकती है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है, सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल। इज इट क्लियर? इफ यू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देन इट इज रिबन शेप, कप शेप, स्पाइरल, शीट लाइक स्ट्रक्चर। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इन क्लोरोप्लास्ट टू रीजन्स आर प्रेजेंट। टू रीजन्स मीन्स इसके अंदर दो चीज़ें मेन होती हैं। फर्स्ट लैमेला, लैमेला क्लोज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक है। लैमेला के अंदर मैंने बताया इसके अंदर आपको क्लोज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, और उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। और थाइलाकॉइड्स जब हमारे पास एक पाइल, पाइल मतलब ढेर की फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना और ग्रेनम, ये मेन है हमारे पास लैमेला के पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या मिलेगा आपको? स्ट्रोमा। मैट्रिक्स को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर आपको मिलता है लिपिड्स, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। ये हमारे पास है आरएनए। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस, तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आपको लिपिड्स, एंजाइम्स, डीएनए और आरएनए मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट रिएक्शन, 10th क्लास में हम आपको बताएंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में दो स्टेप्स होते हैं बेटा, एक होते लाइट रिएक्शन, एक होते डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है दैट अकर ओनली इन ग्रेना, वाइल द डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा।
क्लियर। नाउ क्लोरोप्लास्ट को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, किचन ऑफ द सेल। व्हाई वी कॉल इट किचन ऑफ द सेल? बिकॉज इट प्रिपेयर फूड फॉर द सेल, ये सेल के लिए फूड तैयार करती है। अगर हम प्लास्टिड्स के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले फूड प्रिपेयर करने का काम किसका हो गया? क्लोरोप्लास्ट का हो गया। कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट कर रहा है। और साउंड फूड को स्टोर कौन कर रहा है? ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। दिस इज द प्लास्टिड्स स्ट्रक्चर और द डिटेल। ये बेटा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको थाइलाकॉइड्स के बारे में बताया था। यहाँ पे आप देख रहे हो जो ब्लू कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लियर, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। और ये जो आपको ढेर नज़र आ रहा है एक प्लेट की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं सारे, इनको बोलते हैं ग्रिनम। एक सिंगल की बात करें तो थाइलाकॉइड्स, अगर पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ग्रिनम कहलाता है। इजिट के लिए तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर फ्लूड फिल्ड सैक। सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं और फ्यू इन नंबर, बहुत कम होते हैं, एक या दो ही मिलेंगे अगर होंगे तो, और बहुत स्मॉल साइज में होंगे। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल एक ही होगा सिंगल, बट इट इज़ इन लार्ज शेप, लार्ज साइज का होगा हमारे पास। इसके अंदर जो फ्लूड होता है वैक्यूल के अंदर उसको हम बोलते हैं सेल सैप। तो वैक्यूल के फंक्शन क्या हो गए? इट मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर बिकॉज ये वाटर को स्टोर कर सकता है। ये सेल को रिजिड और टर्जिड बनाता है। कुछ लोअर जो ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, उनमें वैक्यूल का फंक्शन होता है फूड डाइजेशन में हेल्प करना, साथ साथ वैक्यूल शुगर अमीनो एसिड्स वगैरह इनको भी स्टोर करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली आती है हमारे पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये सिर्फ एनिमल सेल में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स, इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, दीज आर लाइज। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं हमारे पास, सेंट्रियोल्स राइट एंगल पे होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम की बात करें देन इट्स मेन फंक्शन इज टू गिव राइज सिलिया एंड फ्लैजिला। ये हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा, इट हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करती है, एक से दो, दो से चार बनती हैं, तो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये सेंट्रोसोम का डायग्राम बेटा। सेंट्रियोल्स मैंने आपको बताया था, टू टाइप के सेंट्रियोल्स होते हैं और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल्स में होते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ इनको आप अपनी नोटबुक लीजिए, और कोई भी क्वेरीज है आप उसको मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। कोई भी आप बुक रीडिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम, किसी बुक को आप रीड कीजिए, होनी चाहिए बायो की ही जैसे ही, क्योंकि चैप्टर हमारा सेल बायोलॉजी चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू।